Bismillahirrahmanirrahim. Next lecture is reactions of benzene, and we will discuss about additional reactions. Actually, an additional reaction of benzene, there are three types of reactions, like addition of hydrogen, that is reduction reactions, and addition of halogens, that is halogenation reaction, and the other one, oxidative type reactions, that is combustion reactions. In today's lecture we will discuss about these reactions. Actually थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि जब हम बेंजीन को स्टडी करते हैं तो बेंजीन ओवरऑल दो तरह का बिहेवियर शो करती है, दो तरह के डिफरेंट रिएक्शन जो शो कर रही होती है. इसमें जो फर्स्ट टाइप है, ये जो आज हमने रिएक्शंस यहां पे डिस्कस करने हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शंस. कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस शो करती है. अब ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं अनसैचुरेशन बिहेवियर, अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन रिंग. मतलब जब बेंजीन एडिशन रिएक्शन देती है तो हम ये कहते हैं कि बेंजीन इज अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड होगी तो एडिशन रिएक्शन देगी. तो इस कंडीशन में हम ये भी कहते हैं कि बेंजीन इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, या फिर हम उसे कह रहे होते हैं दैट इज मोर रिएक्टिव स्पीशी. अब अगर ये उसमें कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं देन बेंजीन विल शो एडिशनल रिएक्शंस. दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ जाती है, हम कमिंग लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ जाते हैं तो वहां पे ये क्लियर होता है कि बेंजीन इज अ सैचुरेटेड कैरेक्टर. ये सैचुरेटेड जो है वो कैरेक्टर है बेंजीन का, ठीक है. और सैचुरेटेड कैरेक्टर मीन वहां पे स्टेबल जो है वो बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. ये दो तरह के इसके रिएक्शन होते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ एडिशन रिएक्शंस को यहां पे डिस्कस करना है और बेंजीन का अनसैचुरेटेड जो कैरेक्टर है, अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन जो है वो भी हमने यहां पे जस्टिफाई करनी है, ठीक हो गया. ये हमारे पास रिएक्शन है. फर्स्ट रिएक्शन की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन. अगर हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से हम शो कर सकते हैं? इसको जो डिफाइन किया जाता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. अगर हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोजनेशन, या हम उसे कह रहे होते हैं रिडक्शन. रिडक्शन की और भी डेफिनेशंस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हम रिडक्शन कहते हैं, बट यहां पे हमने जो बिहेवियर शो करना है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हमारा मेन कैरेक्टर है यहां पे. अब जब हम ये एडिशन करते हैं तो उसमें हमें कंडीशंस कुछ रिक्वायर्ड होती हैं. अगर हम कंडीशंस की तरफ जाएं तो हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें हम हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं. इसमें एक कंडीशन ये है, अगर हम निकल कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमें तकरीबन 200 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. एक ये कंडीशन है. दूसरी कंडीशन यहां पे ये है कि अगर हम प्लैटिनियम मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो प्लैटिनियम मेटल के साथ हम एसिडिक सॉल्यूशन भी यूज करते हैं. उसमें इसके साथ हम एसीटिक एसिड CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, एक्वस फॉर्म में हम उसे यूज कर रहे होते हैं, या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं एक्वस एसिटिक एसिड या फिर प्लैटिनियम, और H3O पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं, मतलब वीक एसिड हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड और H3O पॉजिटिव एसिडिक कंडीशंस को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी एसिडिक कंडीशन है. और ये भी है, या तो ये बिहेवियर हम अप्लाई करेंगे ये कंडीशन, या फिर हम ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे जिसकी बेस पे रिडक्शन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है
रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन ऑफ बेंजीन यहां पे पॉसिबल होती है। अब अगर हम इसकी डिटेल में हैं, इसके मैकेनिज्म पे हैं, तो हमारे पास बेंजीन रिंग, इस पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर, इसमें अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करती है, इसमें हम अगर 3 मोल H2 ऐड करेंगे, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें कंडीशन हम इन्हीं में से ही कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या तो निकल इन द प्रेजेंस ऑफ 200 सेल्सियस या फिर प्लैटिनियम इन एसिडिक कंडीशंस। अब हमारे पास बेंजीन है और ये 1:3 रेशियो है, मतलब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड हुए उसकी रिडक्शन करने के लिए, और जो हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट बना दैट इज साइक्लोहेक्सेन, और जो साइक्लोहेक्सेन है दैट इज एलीसाइक्लिक कंपाउंड, है एरोमेटिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एलीसाइक्लिक कंपाउंड, और ये पहली एडिशन प्रोसेस यहां पे हो गया, साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पे बेंजीन का फार्मूला अगर हम देखें तो C6H6 था, लेकिन जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बना दैट इज C6H12, इसमें कन्वर्जन हो गया। मतलब अगर हम ओवरऑल इसके फार्मूलाज पे हैं, इसका फार्मूला CnHn था और यहां पे फार्मूला क्या हो गया, CnH2n हो गया, फार्मूला चेंज हो गया, दैट इज रिडक्शन ऑफ द बेंजीन। दूसरे रिएक्शन पे हम आते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन प्रोसेस की तरफ हम आते हैं। हैलोजिनेशन को अगर हम डिफाइन करें, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इसमें अगर हम रिएक्टिविटी को यहां पे कंपेयर करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर को, तो हम ये कहते हैं रिएक्टिविटी में फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ये हमारी ओवरऑल अरेंजमेंट है यहां पे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की, जो कि मॉलिक्यूल्स यहां पे अरेंज हैलोजिनेशन हमसे कह रहे होते हैं। अब इसमें जो फ्लोरीन है दैट इज हाईली रिएक्टिव सीपीसी, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस बेस पे हम ये क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को अवॉइड किया जाता है। अगर हम आयोडीन की तरफ आते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन होता है, इवन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इसलिए हम इससे भी क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। मोस्टली जो एडिशन रिएक्शन यहां पे हम शो करते हैं वो या तो क्लोरीनेशन हम करते हैं या फिर ब्रोमिनेशन करते हैं, और ये हम सनलाइट की जो है सनलाइट की मौजूदगी में भी ये प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हैं। ये ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है, तो हम क्लोरीन को भी रिएक्ट करवा सकते हैं, हम ब्रोमीन को भी रिएक्ट करवा सकते हैं, आयोडीन अवॉइड करते हैं और फ्लोरीन को भी हम यहां पे अवॉइड कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसके रिएक्शंस की तरफ आए, बेंजीन के ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास मौजूद हैं उसमें अगर हम इसके रिएक्शन पे आते हैं, तो हमारे पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में अगर हम क्या करें, हैलोजन्स ऐड करें, सपोज हम ब्रोमीन यहां पे ऐड करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन, और यहां पे हम जो कंडीशंस दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, सनलाइट हम कंडीशंस दे रहे हैं, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद था, एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, जब हैलोजिनेशन हुई तो उसके साथ साथ हर एक पोजीशन पे एक एक बी आर ग्रुप भी यहां पे अटैच हो जाता है,
एक एक बी आर ग्रुप भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो फिर उससे हमारे पास जो प्रोडक्शन हो जाएगी वो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होनी है, और अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे तो फिर हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन इसकी फॉर्मेशन हो जानी है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, यहां पे हमने ब्रोमीन का रिएक्शन कराया। तो अगर हम इसके आयुपिक नेम पे आए तो अगर हम कहीं से नंबरिंग शुरू करें तो एक ब्रोमीन 1 पे है, दूसरा 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, तो इसका जो आयुपिक नेम बनेगा दैट शुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशंस आ गई यहां पे, दैट इज हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, दैट इज आयुपिक नेम। और ये हमारा सनलाइट के मौजूदगी में ये रिएक्शन प्रोसीड हो गया। ठीक, ओके, दैट इज हैलोजिनेशन। इसमें तीसरे रिएक्शन पे हम आते हैं, तीसरा रिएक्शन हम यहां पे कहते हैं कंबशन रिएक्शन। अगर कंबशन रिएक्शन पे आए दैट इज अ बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द एक्सेस ऑफ एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल रिएक्शन। और जितने भी हम हाइड्रोकार्बन के कमर्शियल रिएक्शन पढ़ते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। यहां पे ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इससे जो हीट लॉस होती है उस हीट को हम हीट ऑफ कंबशन भी कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन। ठीक हो गया, हमारे पास हीट ऑफ कंबशन है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म के इसके रिएक्शन पे आए तो हमारे पास C6H6+O2, इससे प्रोडक्शन क्या होगी, CO2 and H2O बाय लॉस ऑफ हीट। ये मैकेनिज्म है ओवरऑल। इसको अगर हम बैलेंस करने जाते हैं, कार्बन इधर 6 है तो यहां पर भी हमें 6 कार्बन करने चाहिए, हाइड्रोजन अगर यहां पर 6 है हाइड्रोजन भी यहां पे 6 करने चाहिए हमें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्बन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। अब बात आ गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां पे 12 ये है और 3 ये है, 15 है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 भी लिख सकते हैं उसे, इस तरह से बैलेंस की जा सकती है। अगर हम ओवरऑल पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हो सकता है 2C6H6+15O2 gives us, क्या हो जाएगा यहां पे 12CO2+6H2O। ये अगर हम 15/2 से अवॉइड करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कंबशन हो जाएगी, और कंबशन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखा, एडिशन रिएक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अनसैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन, और इसमें फर्स्ट वन रिडक्शन था दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हम दो कंडीशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। फिर हम हैलोजिनेशन पे आए, हैलोजिनेशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया, और हैलोजिनेशन में हम ब्रोमीन या क्लोरीन को हम ऐड करवा सकते हैं, और लास्ट वन जो हमारा रिएक्शन था दैट वाज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे एडिशन रिएक्शंस हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ हम मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।